क्या आपने कभी सोचा है कि एक 70 वर्ष की महिला भी, जो कि बिल्कुल भी अनपढ़ है, वो अपने जीवन में किसी भी उम्र के पड़ाव में कोई एक ऐसा कार्य कर सकती है जिससे कि उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाए? जी हाँ, आज हम राइट टू नो के इस सेक्शन में बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो ना तो कुछ भी पढ़ी है, ना तो जो ज़्यादा कुछ भी लिख सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपने कला के बल पर और अपने जज्बे के बल पर उन्होंने एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर सरोला कसार गांव की एक महिला जिनका नाम सुमन धामन है। उन्होंने 2019 में एक अपना YouTube चैनल बनाया जिसका नाम है आपली आजी, यानी उसका हिंदी अर्थ होता है हमारी दादी। उस चैनल के माध्यम से वो सिर्फ और सिर्फ खाना का पकवान का रेसिपी बताती हैं और आज उनके चैनल पर लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर हैं और लाखों व्यूज हैं। जब उनसे इस बारे में बात किया गया तो 70 वर्षीय महिला ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि YouTube क्या था और सोशल मीडिया पर व्यंजनों को रखने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर आज मैं एक वीडियो अगर शेयर नहीं करती हूँ चैनल पे तो मुझे बेचैनी होती है। सुमल धामन आगे कहती हैं कि उनके चैनल पे अब तक 120 से 140 वीडियो आ चुके हैं। वो अपने वीडियो में मसालों के साथ महाराष्ट्रीय व्यंजन और भी भारत के अन्य प्रांतों से अन्य क्षेत्रों के जितने भी व्यंजन हैं उसके बारे में वो बताती हैं। आज उनके चैनल पे हर दिन 4000 से अधिक सब्सक्राइबर हिट करते हैं। उनके इस कारनामे के पीछे उनके पोते यश पाठक का भी हाथ है, जिन्होंने कि सारा का सारा टेक्निकल जिम्मा उठाया और वीडियो को शूट करना, वीडियो को एडिट करना और वीडियो को समय पे अपलोड करने का कार्य वही करते हैं। उनका कहना है 17 वर्षीय पाठक का, जनवरी के आसपास मैंने अपनी दादी को मेरे लिए पाव भाजी पकाने के लिए कहा था और नुस्खा देखने के बाद मैंने कहा कि आप अगर इसे वीडियो बनाएंगे तो ये बेहतर वीडियो बन सकता है और इसको लाखों व्यूज आ सकते हैं और लोगों को रेसिपी के बारे में पता भी चल सकता है। और उन्होंने इस वीडियो को डाला, लेकिन वीडियो डालते के साथ ही वो वीडियो काफी वायरल हुआ और वीडियो काफी अच्छा चल गया। इन्हें यूट्यूब की तरह से अवार्ड भी दिया गया, एक प्ले बटन भी भेजा गया है दादी को। और दादी आज के समय में हर दिन वीडियो अपलोड करती हैं और उस वीडियो के माध्यम से लाखों व्यूज मिलते हैं और उस व्यूज के उन्हें पैसे भी मिलते हैं और वो आज एक जीवन में मुकाम हासिल कर लिए हैं। कई चैनल BBC मराठी और ये सारे अन्य चैनलों पर, द बेटर इंडिया, हर जगह पर उनका न्यूज भी आया है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में जब हम देखते हैं कि एक युवा सिर्फ और सिर्फ कुछ परसेंट कम आने से या परीक्षा में फेल हो जाने से आत्महत्या करने तक की सोच लेता है, उस घड़ी में आप उस दादी को समझिए जो कि 70 साल की उम्र उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्रॉस कर दिया और जो कि अनपढ़ है उन 70 साल बाद भी एक नया मुकाम हासिल किया है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही आपको कहना है कि जीवन में कभी भी देरी नहीं होती है। जब आप मेहनत से कुछ कार्य करते हैं तो उसका परिणाम बिल्कुल सुखद होता है। हाँ, समय लग सकता है, 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल 60 साल यहाँ तक कि 70 साल भी लग सकता है, लेकिन अगर आप में जज्बा हो तो आप जिंदगी के इस अंतिम पड़ाव में भी कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नो योर राइट बाय राइट टू